morning, student. Now we have discussed here electricity, right? This chapter is for the class 10th. Some points I am discussing with the June classes, but one main point is remaining. So today I have discussed here, right? This point is the electric power. This point is the electric power, right? This point is the remaining for you. ये हमारा last point बचा हुआ था, right? Electric power, ठीक है? तो इसे discuss करना है, ठीक? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और जल्दी से इसको निपटाएंगे. लिखेंगे electric power. Electric power, write down. Electric power is the electrical work done. Is the electric work done? Electric work done per unit time. Per unit time, right? इसे हम कैसे रिटेन करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. पी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी. डब्ल्यू क्या है हमारे पास? वर्क डन, राइट. टी क्या हमारे पास? टाइम. फॉर्मूला देखिए, हमारे पास क्या है? P इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, राइट. W का मीन्स हो गया वर्क डन, T का मीन्स हो गया टाइम. ओके, तो फॉर्मूला का, सॉरी, इसका डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर P. ओके, तो P इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T. इतना काम कर दिया, ठीक है. P क्या है? पावर. क्या है हमारे पास? पावर. पावर को हम कैसे लिखेंगे? P इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T. इतनी चीज होगी, बट चलिए राइट ऑफ देखो लिखेंगे डेफिनेशन पावर, ठीक है. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ पावर. एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या लिखते हैं? वाट, ठीक है. एसआई यूनिट क्या लिखते हैं पावर की? वाट. या आप इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो P इक्वल टू लिख सकते हो W डिवाइडेड बाई T. W का मीन्स वर्क डन. वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. और टाइम को सेकंड. तो आप एक दूसरी एसआई यूनिट भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड, ठीक है. बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? वाट, ठीक है. बेसिकली क्या यूज करते हैं? वाट. यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखेंगे, इसको रब कर रहा हूँ मैं. एक डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट. डेफिनेशन क्या है देखिए, लिखिए इसका बनाकर. इस पर लिखेंगे आप द पावर ऑफ वन वॉट. द पावर ऑफ वन वॉट. The power of 1 watt is a rate of working of 1 joule of 1 joule per second. क्या बोला था? पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. मीन्स 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड. 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ठीक है. यहां से आपने लिखा वॉट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट
ए स्मॉल यूनिट राइट। व्हाट क्या हमारे पास स्मॉल यूनिट, व्हाट को हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल यूनिट है किसकी, पावर की राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये तो स्मॉल यूनिट हो गई, बिगर यूनिट क्या होगी इसकी, बिगर यूनिट लिखेंगे हम किलोवाट। बिगर यूनिट क्या है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट को क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट राइट। कन्वर्जन लिखेंगे 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट ठीक है। रफ करते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को कैसे कैलकुलेट करूंगा राइट। तो देखिए फॉर्मूला आपको बेसिकली क्या होता है, P इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम ऐसे लिख दो। चलिए कुछ कन्वर्जन इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए हैं राइट, वो क्या क्या चीज है ठीक है। पोटेंशियल V इक्वल टू आपने पढ़ा था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, अगर यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V मल्टीप्लाइड बाय Q आया राइट। आपको ये फंडामेंटल मैंने और पढ़ाया था क्या, कि I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, इस प्लेस से अगर Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे I मल्टीप्लाइड बाय T राइट। इस Q को पुट करेंगे इस वाले प्लेस पर राइट, ये Q की वैल्यू मैं यहां सेट करूंगा तो वर्क डन की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T ठीक है। इस वर्क डन को उठाकर मैं इसके प्लेस पर फिट करूंगा इक्वेशन नंबर 10 में राइट। नाउ putting the value of W equal to V I multiplied by T in equation first, जैसे इस V I T को put करूँ तो P equal to मेरे पास क्या आएगा, work done के place पर V I multiplied by T divided by T, T कैसे पावर का फॉर्मूला आया P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I ठीक है। एक इस फार्मूले से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू। चलिए कुछ समझ लीजिए कैसे कैसे किया हमने, सबसे पहले फार्मूला मैंने पुट किया P इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T राइट। यहाँ से मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q ठीक है। Now we can calculate the value of W means work done. Work done equal to V multiplied by Q because of that cross multiplication is occur over here, right? Now we can do W equal to V multiplied by Q, right? And we have read another formula for electric current I equal to Q divided by T. Now in place of we can calculate the value of Q. Q equal to means charge equal to I multiplied by T. ठीक है? This value was put in here, right? Then you can find the total value of work done W equal to VIT. Now put here in place of W VIT, right? TT cancel out. Final formula you got the final formula P equal to V multiplied by I, right? ये formula हमारे पास क्या है? Power को calculate करने का. कैसे power को हम calculate करते हैं, right? चलिए next लिखेंगे. Next we can next point कुछ और फार्मूले हैं राइट पावर से रिलेटेड जिन्हें हमें सीखना है ठीक है। कैसे करना है अगला लिखेंगे, पावर पी, कैलकुलेट द पावर पी इन टर्म्स ऑफ calculating the power P some other formula
some other formula for calculating the electric power. Right? इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर देंगे कुछ और फंडामेंटल्स, ठीक है? तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पावर पी इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, राइट? करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, राइट? सिंपल, आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या? पी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई आई, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, इक्वेशन नंबर पर पुट करेंगे, राइट? यहां देखिए अगेन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने पढ़ा है V equal to IR, पढ़ा है? In place of V, put the value of IR. P equal to, ठीक है? V के place पर IR multiplied by I. तो I square R, right? Another formula for calculating the power, electric power is P equal to I square R. ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास आया इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट? ये तो था आपके पास इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, राइट? अब सपोज करो सेम चीज मैं दूसरा कैलकुलेट करता हूं, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक पावर, राइट? चलिए मैं कर देता हूं, कंफ्यूज हो गया आप, इलेक्ट्रिक पावर, राइट? इलेक्ट्रिक पावर पी इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, वी एंड आर, अब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस है मेरे पास, अगेन फॉर्मूला यू हैव अ पी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई, दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर, राइट? यू हैव ऑलरेडी. नाउ अगेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का यूज करूंगा, तो आपने पढ़ा है वी इक्वल टू आई आर और आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, राइट? इस वैल्यू को उठा के मैं पुट करूंगा इस प्लेस पर, पी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई के प्लेस पर वी डिवाइडेड बाय आर, राइट? पी इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया पावर को कैलकुलेट करने का, राइट? इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का अनदर फॉर्मूला, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, इतना काम हो गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, मींस फाइनली यू हैव अ थ्री और फोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर, राइट? आपके पास तीन और चार फॉर्मूले निकल के आए जिनसे आप इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T. सेकंड क्या था, P इक्वल टू वी आई. थर्ड क्या था, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट? फोर्थ क्या था आपके पास, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ये फोर फॉर्मूले आपके पास निकल के आए, इन फोर फॉर्मूलों का यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर, राइट? क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? यू हैव अ फोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? आई हैव डिस्कस वन बाय वन, आई थिंक ऑल ऑफ यू लर्न द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. नाउ another very important fundamental, relation between
क्या करना है, रिलेशन चेक करना है किसके बीच में, किलोवाट और जूल में, राइट, किलोवाट और जूल में। तो आप ऊपर से लिखोगे वन किलोवाट आर इक्वल टू, वन किलोवाट आर इक्वल टू वन किलोवाट, वन किलोवाट फॉर वन आर, राइट। मैंने लिख दिया एक किलोवाट आर जो है उसको इस तरह से लिखा मैंने, वन किलोवाट फॉर वन आर, वन आवर में इतनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, इतना काम हो गया, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो वन किलो वाट आर, राइट। इसे अब आप, मैंने बताया था वन किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट फॉर वन आवर बताया था मैंने, राइट। मैंने लिख दिया 1000 फॉर वन आवर, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था क्या, कि वन वॉट इक्वल टू वन जूल डिवाइडेड बाई वन सेकेंड, डिस्कस किया था मैंने, मैंने आपको बताया था एक वॉट क्या होता है, वन जूल डिवाइडेड बाई वन सेकेंड। चलिए अब मुझे 1000 वॉट निकालना है तो क्या करूंगा, इस क्वांटिटी का इसके साथ में मल्टीप्लाई करा दूंगा। चलिए देखते हैं, वन किलो वॉट आर इक्वल टू क्या करूंगा, 1000 ये मल्टीप्लाइड बाई वन जूल डिवाइडेड बाई वन सेकेंड फॉर वन आवर, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, देखिए मैंने क्या किया, 1000 वॉट आपको पता है एक वॉट इक्वल टू ये, तो 1000 वॉट इक्वल टू मैंने इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करा दिया वन आवर के लिए, ठीक है। अब मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना तो कैसे करूंगा, देखिए सिंपल, इतना काम पहुंच गया, ठीक है। अब वन आवर में क्या होता है, वन आवर इक्वल टू आपको पता है 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, राइट। इसका इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई वन जूल डिवाइडेड बाई वन सेकेंड, राइट। फिर ओवरऑल कितना बन जाएगा आपका, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 300 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1000, राइट। ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपको देखो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, ये कितने जूल के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 जूल, क्या लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 जूल, ये आपका रिलेशन आ गया इसमें आपका किलोवाट आवर एंड जूल में, राइट। आपको देखो गिवन था 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, राइट। आपको 1 किलोवाट मैंने इसको वाट में चेंज किया 1000 फॉर 1 आवर, 1 वाट इक्वल टू आपको पता था 1 जूल पर सेकंड, राइट, कर दिया। इसको मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास ये स्टेप आ गई, 1 आवर को मैंने चेंज किया 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल, यू गॉट इट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, ओके, वी विल मीट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।